फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड यू शुड डू इफ़ यू आर नॉट डूइंग बिकॉज लाइफ इज़ मेंट टू बी ग्रेट ओनली। हाँ गाइज, मैं तो बस झाड़ू लगा रही थी बट थाट्स इतने आ रहे थे मन में कि मैंने सोचा आपके साथ शेयर करें बिकॉज आई वुड लाइक टू थैंक यूट्यूब पीपल एंड ऑल दीज सोशल मीडिया दैट दे आर बिहेविंग इन अ गुड वे दैट दे आर कनेक्टिंग अस। तो फॉर दिस आई एम वेरी थैंकफुल but excess of everything is not good, so I would like to tell especially my kids that don't use media so much, also try to interact with yourself, also be busy with yourself also, hai na। so jo baat mere mann mein aa rahi thi wo ye thi that humse ye sawal kiya jata hai kai baar, mostly to bachpan mein hi kiya jata hai, later on accept kiya jata hai, बहुत कम पूछते हैं फिर तो हम सवाल एक दूसरे से। हाँ, वो सवाल ये है कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो जब मैं छोटी थी मुझसे भी शायद टीचर्स पूछते होंगे, या मतलब कोई पड़ोस का या बड़ा हमसे क्या बनना चाहते हो बड़े होकर। उस टाइम मुझे नहीं पता था बट आज मैं ही सोचती हूँ कि इस सवाल से पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि बनना ही क्यों है, बनना क्या चाहते हो तो बाद की बात है। मैं ये क्वेश्चन अपने मन में आया मेरे मन में कि बनना ही क्यों है, ईश्वर ने जो बना दिया वो काफ़ी नहीं है, अल्लाह मियाँ ने जो बना दिया क्या वो सफिशिएंट नहीं है। इसे बिल्कुल भी इस तरह ना लिया जाए इस सवाल को कि हमें कुछ लाइफ में करना नहीं है। इट इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन विच केम टू माई माइंड कि बनना ही क्यों है। मीन्स क्या जब आप इस दुनिया में आए तो Did you decide this thing कि मुझे इस दिन बर्थडे पे, मेरा बर्थडे इस दिन होगा, मैं इस दिन आऊँगा। क्या आपको पता है आप कब यहाँ से जाएंगे इस दुनिया से? कैन यू टेल मी द डेट कि आप कब डिपार्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस अर्थ? नो, जिसने यहाँ भेजा, जिसने ऑलरेडी बना के भेजा, मेरे हाथ में ऐसा बनना खुद नहीं है। मेरी सूरत शक्ल, मेरे बाल मेरे हाथ में नहीं था, मुझे एक शरीर मिला और मुझे एक पेरेंट्स मिले, मुझे फैमिली मिली, मैंने कुछ नहीं बनाया, ऑलरेडी मुझे किसी ने बना के भेजा। और फिर हम दोबारा क्वेश्चन, तो जब उसने ये बना के भेजा तो आगे का भी वही बता देगा, मुझे उस पर पूरा यकीन है। तो जब हम किसी से सवाल पूछते हैं कि क्या बनना चाहते हो, मीन्स फर्स्ट थिंग, इसे बिल्कुल भी गलत ना लिया जाए कि कुछ बनना नहीं है, इसे ऐसे लिया जाए कि पहले आप जो हैं उसे इतना पसंद कीजिए, इतना एक्सेप्ट कीजिए, इतना लाइक कीजिए कि जो आप हैं वो ही पहली बात तो बेस्ट है, ठीक है। बिकॉज़ व्हेन यू से दिस क्वेश्चन क्या बनना चाहते हो, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये लाता है माइंड में कि जो हैं वो सफिशेंट नहीं है, कि हम जो भी हैं, वट एवर वी आर, द वे वी आर, जो हमारे मार्क्स हैं, जो हमारी परसेंटेज है, जो हमारा टैलेंट्स है, कहीं ना कहीं अभी कुछ कम है, हमें कुछ बनना है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, हमें कुछ ऐसा नहीं बनना है, हम पहले ही बेस्ट हैं, फर्स्ट ही। अब जब हम बेस्ट हैं तो हम जो भी करेंगे वो कैसा करेंगे, बेस्ट करेंगे। बिकॉज व्हेन वी से दिस क्या बनना चाहते हो, तो पहली चीज़ तो हम ये लाते हैं कि आप जो हो वो काफ़ी नहीं है, आपको कुछ बनना भी और बाकी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हम जो होना चाहिए वो ही अल्लाह ने हमें देकर भेजा है, हर चीज़ देकर भेजिए, कंप्लीट भेजा है, हम में से कोई भी इनकम्प्लीट नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हम एक चीज़ तय भी कर देते हैं कि हमें ये करना है और हमें नहीं पता भी इस जर्नी में आगे क्या होने वाला है, इस जर्नी में, इस जीवन में हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, कैसे हमारे सामने हालात आने वाले हैं, क्या होने वाला है, नथिंग वी नोज, बट हमने तय करा कि हमें ये करना है। तो अगर हम किसी वजह से वो नहीं कर पाते हैं, या वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती है, या कोई हमसे पहले उस चीज़ को ले लेता है, या कोई और उससे बेहतर कुछ कर लेता है, फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं कंपैरिजन कि उसने तो कर लिया तुम नहीं कर पाए, फिर एक जेलसी शुरू होती है। आई वॉन्ट टू से दैट कि फिर दो अच्छे शब्द हैं, कंपैरिजन एंड कॉम्पिटिशन, लेकिन उनका मीनिंग इतना गलत इस्तेमाल होता है फिर सिनेरियो में आके, दैट कंपैरिजन हमें करना चाहिए, हमें खुद को खुद से कंपेयर करना चाहिए कि हम कल क्या थे, हम आज क्या हैं, क्या हम कल जितने खुश हैं, या हम कल जितने आज भी उतने ही हैं उससे ज़्यादा हैं, या हम कल उदास थे आज खुश हैं, या कल खुश थे आज उदास हैं, या हम कल ये थे आज हम ये हैं,